हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बताइए कि मैं क्या मैं हूँ, कैसे जा रहा हूँ। ऐसे वीडियो से पता चल रहा है कि मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, तो कैसे जा रहा हूँ, बाइक से, पैदल से, दौड़ते हुए या साइकिल से। तो ये देखिए, छोटा सा साइकिल। तो शाम का वक्त है, थोड़ा सा गांव का नज़ारा है। देखिए आगे तो बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो आप लोग? गिल्ली? कहाँ गुल्ली? कहाँ गुल्ली? नहीं है, गुल्ली नहीं, गुल्ली नहीं है। कहाँ है गुल्ली? क्या खेल रहे हैं? अबे डंडा से। डंडा से ऐसे जाएंगे। अच्छा, देखिए ये गांव के बच्चे खेल रहे हैं कुछ डंडा से। हेलो बोल दीजिए जोर से, जोर से। ओके, देखिए गांव में जो ये जो बचपन होता है फ्रेंड्स, हर गम से बेगाना होता है। सही में कोई टेंशन नहीं, मस्त अपना बिंदास खेलिए, जाके शाम को हाथ पैर धो के थोड़ा सा पढ़िए, फिर सुबह हुई तो स्कूल, फिर शाम को खेलना, फिर हो सकता है तो ट्यूशन। फ्रेंड्स, सूरज तो नहीं दिख रहा है, डूब गया होगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है आकाश में थोड़ा सा है, ये है देखिए, हल्का हल्का लाल लाल दिख रहा है। तो ये शाम भी काफ़ी खूबसूरत होता है दोस्तों, देखने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आकाश में बादल उदल छाए रहते हैं हल्का फुल्का, तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। और सबसे एक तारा भी दिख गया है, देखिए आप लोग को दिखाते हैं, इसमें शायद दिखेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग को ले चलते हैं सीधा आगे में, एक नदी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं यहां पर पहुंच चुका हूं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक हॉस्पिटल यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। बहुत ही अच्छा संकेत है ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि ये जो ये नदी है, ये छोटा सा नदी है, बड़ा नदी तो मैं नहीं कहूँगा। ये दो जिला को बांटती है, एक सरायकेला खरसवां, दूसरा है ये उस पार में है, ये यहाँ से आपका पश्चिम सिंहभूम। तो उधर पश्चिम सिंहभूम हुआ, यानी कि चक्करधरपुर एरिया या चावसा एरिया बोलिए पड़ता है, और इधर ये सरायकेला खरसवां। तो ये पश्चिम सिंहभूम का एरिया में है ये हॉस्पिटल। तो इधर के आसपास में हॉस्पिटल का सुविधा है नहीं, तो बहुत ही अच्छा बात है कि इसका मरम्मत फिर से चालू हो गया है, और बहुत ही जल्द इसका यहाँ पर। तो फ्रेंड्स शाम के वक्त इस तरह से नदी के पास हो या तालाब के पास गाँव में आकर इस प्रकार से बैठना एकांत में, बहुत ही सुकून मिलता है। सप्ताह में रेस्ट मिलता है, तो उसका सही उपयोग करना चाहिए। और दिन में जितना भी बिजी रहे, मैं तो दोबारा मैं यही बोलूँगा कि 3 घंटा अपने पास रखिए। कोई फ्रेंड फ़ोन कर दिया तो ज़रूर मिलने जाइए, किसी का मदद करना हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मैं अकेला हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे अकेलापन का एहसास होने नहीं दे रहा है। तो बस फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।